नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। मैं प्रभात एग्जाम के करंट अफेयर शो के 273वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूँ। इस सीरीज में हम डेली करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर चर्चा करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो से। नंबर एक, भारत विश्व का 14वां सबसे परोपकारी देश। विश्वदाता सूचकांक 2021 की रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत दुनिया का 14वां सर्वाधिक परोपकारी देश है। कोविड-19 महामारी ने दुनिया भर में दान कार्यों के रुझानों का संकेत दिया है। भारत अब विश्व के शीर्ष 20 उदार देशों में शामिल है, जबकि पिछले 10 वर्षों तक भारत 82वें स्थान पर था। महामारी के दौरान दुनिया भर में विभिन्न समुदायों ने साथी नागरिकों के लिए मदद जुटाई है। दुनिया के लगभग 3 अरब व्यस्त लोगों ने 2020 में किसी न किसी ऐसे व्यक्ति की सहायता की जिसे वह जानते भी नहीं थे। भारत में सभी आयु वर्ग के स्त्री पुरुषों ने खुलकर दान किया। 61% भारतीयों ने अपरिचितों की सहायता की। 34% लोग मदद के लिए आगे आए और 36% लोगों ने धनराशि दान की। नंबर दो, 2,60,00,000 हेक्टेयर जमीन को बनाया जाएगा उपजाऊ। हाल ही में पीएम मोदी ने मरुस्थलीकरण पर संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय संवाद को संबोधित करते हुए कहा कि देश में साल 2030 तक 2,60,00,000 हेक्टेयर जमीन की उपजाऊ शक्ति बहाल करने की दिशा में काम चल रहा है। उन्होंने गुजरात में कच्छ के रण क्षेत्र का उदाहरण दिया, जहां मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ाकर उत्पादकता, खाद्य सुरक्षा और आजीविका बढ़ाई गई है। भारत में पिछले 10 वर्षों के दौरान 30,00,000 हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र की बढ़ोतरी हुई है। इससे देश का वन क्षेत्र बढ़कर कुल क्षेत्रफल का लगभग 1/4 हो गया है। नंबर तीन, लोकसभा ने पशुपति कुमार पारस को सदन में लोजपा पार्टी के नेता के रूप में अधिसूचित किया। पशुपति कुमार पारस को चिराग पासवान के स्थान पर लोकसभा में लोक जनशक्ति पार्टी का नेता चुना गया है। इससे पहले पार्टी में 6 सांसदों में से 5 ने लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला से मुलाकात कर उन्हें चिराग पासवान को हटाकर पारस को नेता बनाने का अनुरोध पत्र सौंपा था। पशुपति कुमार पारस लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान के छोटे भाई हैं और हाजीपुर से पार्टी के सांसद भी हैं। नंबर चार, नेटो ने चीन को सुरक्षा के लिए स्थायी खतरा घोषित किया। नेटो के नेताओं ने चीन को सुरक्षा के लिए स्थायी खतरा घोषित किया है और कहा है कि चीन वैश्विक व्यवस्था को कमजोर करने के लिए काम कर रहा है। ब्रसेल्स में एक शिखर बैठक में जारी बयान में नेटो के नेताओं ने कहा कि चीन अपने लक्ष्यों और हठी व्यवहार से नियमों पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और नेटो देशों की सुरक्षा के लिए चुनौती पेश कर रहा है। नेताओं ने चीन से कहा कि वह अपनी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का पालन करे और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में जिम्मेदारी से काम करे। नेटो के प्रमुख ने हालांकि इस बात पर जोर दिया कि नेटो के देश चीन के साथ नया शीत युद्ध नहीं चाहते हैं। आपको बता दें कि नेटो यूरोपीय और उत्तरी अमरीकी देशों का सैन्य संगठन है जो रूसी आक्रमण के खिलाफ दूसरे विश्व युद्ध के बाद बनाया गया था। नंबर पाँच, 6% के पार हुई महंगाई दर। सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत की मुद्रा स्फीति तेजी से बढ़कर 6.3% हो गई है। यह तेजी मुख्य रूप से उच्च खाद और ईंधन की कीमतों के कारण आई है। बता दें कि मई के महीने में पेट्रोल और डीजल के अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में आई तेजी के कारण देश में खाद्य तेल और अन्य उत्पादों की कीमतों में तेजी से वृद्धि हुई है। दोस्तों, अब समय आ गया है आज के सवाल का। आज का सवाल है कि हाल ही में श्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण के सम्मेलन के कौन से वे सत्र के अध्यक्ष के रूप में उद्घाटन खंड को संबोधित किया। आपके ऑप्शन हैं 11वें, 12वें, 13वें या 14वें। आप अपने जवाब हमें नीचे दे कमेंट सेक्शन में बताएं। हम इस पर कल की वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, कल की वीडियो में हमने आपसे पूछा था कि हाल ही में किस देश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर को बैन कर दिया है। दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, नाइजीरिया। आप में से इनको बताएं जिन्हें सही जवाब मिले। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो का PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अंत में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल सहायक अध्यापक एवं प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा 2021 में सफलता हासिल करने के लिए प्रसिद्ध पब्लिशर प्रभात प्रकाशन आपके लिए लाया है कंप्लीट बुक सेट। पेपर 1 और पेपर 2 के लेटेस्ट सिलेबस पर बेस्ड सभी विषय यानी इंग्लिश, गणित, सामाजिक अध्ययन, विज्ञान और हिंदी पर ये बुक्स उपलब्ध है। इनमें दिए प्रैक्टिस सेट्स के मिलेंगे एक्सप्लेन आंसर्स। इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ने से आप परीक्षा के लिए हो जाएंगे 100% रेडी। आज ही खरीदें अमेज़न, फ्लिपकार्ट या नजदीकी बुक स्टोर से और पाएं सफलता।